पर्दा हटा ना भाई। ए दोस्तों ये सॉरी कैसे कोई खैनी बना रहा है क्या? नहीं खैनी नहीं बना, ताली बजा रहा था। नहीं एक ही आदमी ताली मारा ना तो लगा खैनी बना रहा है। मेरा नाम है राज सोनी, इससे मिलिए, ये है मस्त मिठू। मस्त मिठू सॉरी क्या यार, और इससे मिलिए। एक मिनट, मुझे पहचानता है यहाँ का गच्चा गच्चा? मुझे हाँ पहचानता है यहाँ का गच्चा गच्चा? आप इंट्रोडक्शन मत दीजिए चचा। सॉरी। देखिए संस्कार भारती के 5 इन्होंने पॉइंट रखे थे, जिसमें एक बड़ा प्यारा सा था समृद्धि का आधार अपन परिवार। अभी लेसी सिंह जी भी कह रही थी कि हमें ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। देखिए ज्वाइंट फैमिली में रहने के कई फायदे हैं। एक तो बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं, इससे बड़ी बात यह है कि एक आदमी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं होती है, सब में बटी रहती है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपकी एकता दिखती है, और उससे भी बड़ी बात घर में छोटा भी फंक्शन हो तो वो बड़े त्यौहार में बदल जाता है। बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अपनी पत्नी तक कुछ पहुंचाना हो तो छुप छुप क्यों पहुंचाना करता है? सॉरी। खैर रोमियो, तू ना बात को कहीं से कहीं ले जाता है। तुझे पता है पति पत्नी एक ही एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जिंदगी रूपी जो गाड़ी होती है उसके दो पहिए होते हैं पति और पत्नी। एक पंक्चर हो जाए, एक अगर बिगड़ जाए तो ये गाड़ी रुक जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि स्टेफनी जरूर रखें। सॉरी। देखिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और उनके लिए हमेशा एक बात कहिए, जब कोई बात बिगड़ जाए। एक मिनट रुक जा, इतना बिगड़ा हुआ गाना क्यों गा रहे? मैं यार सुर में गाना इनको गाना चाहते क्या? यार मैं सुर में नहीं गा रहा था ना। तो क्या चीज में गा रहा था? घसगा सुर में। सॉरी। नहीं नहीं तू जो हंस रहा है एक बात बता, मैं भस्मा सुर में गा रहा था ना, तो महिषा सुर में। चुप हो जा तुम दोनों। अच्छा मिठू तू भी कमाल करते है। थैंक यू। चुप रहे। हाँ तो मैं लेकिन चल ठीक है, मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। मैं कब तुम लोगों की वजह से ना मैं अपना गाना भी भूल जाऊंगा। आता होगा तब तो गएगा ना। मैं आपसे चलिए पढ़ के बता देता हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, अपने परिवार के लिए कहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कहिए कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरे को इल्जाम लगाए और वहां से खिसक जाए। सॉरी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तो पति पत्नी को लड़ते देखा है। ऐसा नहीं होता यार, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे इसी स्कूल के बच्चे की घटना है। क्या हुआ था? एक बच्चा स्कूल देर से आया। हाँ। तो उसके सर ने कहा तुम इतने देर से क्यों आए? तो बच्चे ने कहा मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे। अरे तो मम्मी पापा लड़ रहे थे तो बच्चे को क्या मतलब था, वो आ जाता स्कूल। यही बात सर ने भी कही। फिर बच्चे ने कहा उन दोनों लड़ तो रहे थे हाँ, लेकिन मम्मी के हाथ में एक हाथ में मेरा जूता था और पापा के हाथ में दूसरा जूता। सॉरी। देखिए थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत जो ये बातें होती रहती है, हर परिवार की बात है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है। लेकिन क्या है रोमियो, ऐसा तू कोई एक परिवार बता दे, ऐसा कहाँ पर ऐसा होता है जहाँ परिवार में शांति बनी रहती है? जहाँ